लगता है पड़ोसन के वहाँ लड़ाई हो रही है, चलो सुनते हैं। तुम्हें जरा सा तमीज नहीं है? तुम अब मुझे जवाब दोगी? हाँ दूंगी जवाब। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और इसके पीछे की सारी वजह है हमारा पड़ोसी। हाँ तुम्हें कोई और तो मिला नहीं, तो अब उसको बदनाम करो। देखो देखो उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। क्यों नहीं बुरा लगेगा, उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? जब तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करता है तो तुम्हें मेरी बात का तो बुरा लगेगा ही। कभी मोबाइल ला के देता है, कभी सूट ला के देता है, और अभी पिछले हफ्ते ही उसने इतनी महंगी अंगूठी ला कर दी थी। वाह अंगूठी तुम्हें याद रही, वो तो उसने गिफ्ट दी थी। लेकिन जब तुमने अपना नंबर मेरा बताकर उसे रिचार्ज करा लिया था तो बड़ा अच्छा था वो। अच्छा छोड़ो, फालतू में हम लोग दूसरे की वजह से लड़ रहे हैं, आओ तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। ये लो तुम्हारा फोन, उठाओ। हेलो हेलो कौन? आपकी प्यारी पड़ोसन, और कौन? जी बोलिए। कल जब आप मुझे ड्रेस सिलाने मार्केट लेकर गए थे और उसके बाद आपने मेरा हाथ पकड़ा था, तो मैं कह रही थी कि अगर आप चाहें तो हम इसके आगे भी जा सकते हैं। बहन जी ये उससे आगे जाकर तो दिखाएं, मैं इनकी टांगे तोड़ दूंगी। जब मैंने सब्जी लेने मार्केट तक ही भेजा है तो ये उससे आगे क्यों जाएंगे? रखिए फोन। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो मेरी शादी तुमसे हुई। सही कहा, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, वरना ये औरत तुम्हें घुमाने के बहाने कितना और आगे ले जाती, जैसे पेट्रोल फ्री का आता है। आज शाम को बाजार चलोगे? शाम को बाजार मतलब सूरज और मैं एक साथ डूबेंगे। अरे ज्यादा कुछ नहीं लेना है। क्या लेना है बताओ तो फिर भी। वो फैंसी ज्वेलरी नहीं आती? वो जो सोने जैसी दिखती है लेकिन सोना नहीं होती। वही लेना है। तुमने तो कहा था फैंसी ज्वेलरी लेना है, तुम तो असली सोने की झुमकी ले आई। हाँ तो क्या हुआ, सोना काम ही आता है। समझ गया, फैंसी ज्वेलरी लेने नहीं गई थी, मुझे फंसा के ज्वेलरी लेने गई थी। अच्छा ठीक है, एक काम करो, मुझे ना जरा पर्सनल काम है तो मुझे 10,000 रुपए दे देना जरा। 10,000? हाँ। ऐसा कौन सा पर्सनल काम है जो 10,000 रुपए में हो रहा है भाई? मेरी ना मेंटेनेंस फीस है ये, और हर महीने चाहिए मुझे ये। आई बात समझ में? मतलब बच्चों की फीस, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, अब ये तुम्हारी मेंटेनेंस फीस। मैं तो भाई यही भर भर के मेरी तो सारी जायदाद बिक जाएगी एक दिन। अच्छा जी, बहुत बड़ी रियासत के मालिक हो तुम तो, जायदाद की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं क्या पीछे छोड़ रखा है तुमने। महल है तुम्हारे बहुत यहाँ है? तो जायदाद तो है ही हमारे यहाँ पे, खेत है, बाग है, खलियान पड़ा है, इतनी जमीनें पड़ी है, क्यों ना कहूँ मैं, जायदाद है। तुम्हारे पास क्या है तुम ये बताओ। हाँ तो ठीक है, खेत नहीं है, लेकिन मेरे पापा के पास देखो दो दो मकान है इतने बड़े शहर में, और पता है फ्लैट है मेरे भाइयों के पास अपने अपने अलग अलग। तो क्या करूँ फ्लैट का, एक आधा तुम्हारे नाम होता तो कुछ फायदा भी होता, सारा उनके नाम है, मैं क्या करूँ। मतलब लड़की दे दी उन्होंने तुम्हें अपनी, मन नहीं भरा तुम्हारा? अरे मन तो कब का भर गया यार। मन भर बिल्कुल इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता।